हेलो हेलो, कैसे हैं? सबको प्यार भरा नमस्ते। मैं रितेश सर, द चैंपियन एकेडमी से। हम लोगों का चल रहा था जर्नल एंट्री का, जो डे 3 तक कंप्लीट हो गया है। आगे उससे हम लोग चलेंगे। तो क्वेश्चन 1 2 3 4 हो गया था, आज उससे आगे हम लोग केवल क्वेश्चन ही करेंगे। जर्नल एंट्री का 4 क्वेश्चन किए थे, जिसमें फर्स्ट का ए था, बी था, सी था, डी था, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन 2 है। 2 से हम लोग शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में पूरा है, आप देख सकते हो। वहां पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है जर्नलाइज करो द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। 2022 का है, अप्रैल 2 को एक व्यापारी ने व्यापार चालू किया। अब कौन चालू किया, उसका नाम नहीं दिया। ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मर्चेंट का मतलब बिजनेस ही होता है। डिपोजिटेड इनटू बैंक है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट है, कैश पेड टू मोहन है, कैश सेल्स है, गुड्स सोल्ड टू सोहन है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम ग्रेस है, परचेज गुड्स फॉर कैश, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक एंड पेड रेंट। ये सारा ट्रांजेक्शन है। इस ट्रांजेक्शन को हमको जर्नल एंट्री मानना है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं जर्नल एंट्री से। जर्नल एंट्री में 5 कॉलम होते हैं, भूलना नहीं है। हमारा प्यारा सा क्वेश्चन 2 जर्नल एंट्री। कॉलम खींचेंगे, हमारा हो गया डेट। हाँ जी, इसमें हम लोग डेट, ये हमारा पर्टिकुलर्स, ये है LF, डेबिट का अमाउंट का कॉलम और क्रेडिट अमाउंट का कॉल। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ईयर है हमारा 2022। 2022 क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो पहला है 1 अप्रैल, नहीं 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल को बिजनेस चालू हुआ, तो एंट्री क्या हो जाएगा। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब देखिए, जो बिजनेस चालू करता है ओनर, उनके नाम के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। अब कितने से चालू हुआ, बिजनेस चालू हुआ है 10,000 से, तो डेबिट में 10,000 और क्रेडिट में भी 10। नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, विथ कैश। अगला है, 2 अप्रैल को ही बैंक में जमा किया गया 4,000। अब देखो, 2 अप्रैल को ही हमने बैंक में पैसा जमा किए। अब बैंक में पैसा जमा करेंगे तो हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक हमारा असेट्स है, बढ़ा है, इसलिए डेबिट। एंड टू हमारा कैश असेट्स है, घटा है, इसलिए क्रेडिट। ऐसे पर्सनल रियल से कर गया तभी हो जाएगा। रियल है बैंक हमारा, बढ़ा है तो डेबिट, वस्तु या संपत्ति आए तो डेबिट और जाए तो क्रेडिट। अब कितना हो जाएगा, बैंक में जमा कितना किया हम लोग 4,000, तो ये है हमारा 4,000। बीइंग कैश डिपॉजिटेड, इनटू बैंक, अगला है हमारा कैश पांच 5 अप्रैल को राम से उधार माल खरीदे। 5 अप्रैल, परचेज हुआ है
तो परचेज अकाउंट डेबिट लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखो खरीदे ना तो पैसा दिए नहीं, उधार में हुआ, क्रेडिट है तो यहां पे राम का नाम लिखना होगा क्योंकि राम हमारे लिए क्रेडिटर्स हो जाएंगे, इनको पैसा देना लायबिलिटी है। तो राम कितना? 4,000। यहां भी 4। बीइंग गुड्स परचेज, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। अगला है हमारा किस डेट को? डेट है हमारा 6 को, कत मोहन को नगद भुगतान किया, कैश पेड टू मोहन 6 को, 6 अप्रैल मोहन को, तो मोहन अकाउंट्स डेबिट टू कैश अकाउंट। अपने पास से कैश घट रहा है, पैसा पेड करेंगे तो कैश घट जाएगा, तो मोहन अकाउंट्स डेबिट टू कैश कितना पेड किया? 500, लिखिए 500। तो इन नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश पेड टू मोहन। ठीक है, 6 अप्रैल। उसके बाद है हमारा 10 को कहता है कि नगद बिक्री कैश सेल्स है कितने, 1,000 का, तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं, आइए। और डेट कब का है पहले फॉर्मेट खींच ले। डेट ठीक है, अब किस डेट को है? 10, 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को क्या कहता है? कहता है कैश सेल्स है, तो कैश आएगा अपने पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स है, एक हजार नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड। इसको 10 अप्रैल के बाद है हमारा 15 को, कहता है सोहन को बेचे, तो कैश नहीं क्रेडिट में हो गया, तो सोहन्स पार्टी का नाम दिया है, सोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना में बेचे? सोहन्स को बेचे 2,000, दो हजार बीइंग गुड सोल्ड टू सोहन। इसके बाद 15 के बाद है हमारा 15 के बाद है 20, कथा गणेश से नगद प्राप्त हुआ, रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश, गणेश से कैश आ रहा है अपने पास बढ़ेगा। डेट कब है हमारा? डेट है हमारा 20, 20 अप्रैल। अब देखो कैश आएगा अपने पास, बिजनेस में बढ़ेगा, असेट्स है डेबिट करेंगे, अब किनके पास से आ रहा है? गणेश, तो गणेश अकाउंट्स। अब देखो ट्रांजेक्शन में ये नहीं लिखा एडवांस पेड है कि उसके यहाँ बाकी था या उससे एडवांस रिसीव्ड है। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गणेश कितना?
कैश रिसीव हुआ है गणेश से 6,000। इसके बाद है हमारा 20 अप्रैल, 25, फिर 25 अप्रैल का क्या हो जाएगा? कहता नगद माल, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब कैश में सामान खरीदे भैया, सामान बढ़ेगा, क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट डेबिट एंड टू कैश, कितना? 6,000 था, 2,000। तो बी गुड्स परचेज फॉर कैश, ये हो गया। उसके बाद है हमारा, कहता है विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से ना हम कैश निकाल ले, तो किस 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 डेट को? 30 को, 30 अप्रैल को हम कैश निकाल रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? धंधे में कैश बढ़ेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, और अपना बैंक का बैलेंस घट जाएगा, तो बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट, कितना? 1,000। आइए 1,000 नरसल लिखेंगे, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, के बाद है इस क्वेश्चन का लास्ट है। कहता है रेंट पेड हुआ कब? 30 को, 30 अप्रैल को ही हम ना किराया दिए, तो 30 अप्रैल, तो रेंट खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट अब टू कैश, कैश में पेड हो गया। अब कितना हुआ? ये हो गया हमारा 100। लीजिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म, एकदम बच्चों वाली, इसमें कुछ था ही नहीं जो हम पढ़ाते बताते। बीइंग रेंट पेड, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, खत्म है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देख लीजिए एक बार। आइए ये था 1, ये इसका और है, और आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहता है हिमांशु की पुस्तकों में निम्नलिखित लेन देनों की रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। हिमांशु को बुक में आपको करना है। ईयर है हमारा 2022, दिसंबर का ट्रांजेक्शन है, मंथ का, दिसंबर मंथ का करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता तीन क्या करना है? जर्नल एंट्री। अब किसके बुक में? इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। हिमांशु के बुक में करना है। आइए कॉलम खींचते हम लोग, ठीक है। आ जाओ, ये हमारा हो गया डेट, ये हमारा पर्टिकुलर्स, ये एलएफ, ये डेबिट अमाउंट का कॉलम, ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट अमाउंट का कॉलम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, 2022 का है, चलिए 2022 ईयर लिख देंगे हम लोग। अब किस डेट से हुआ है? दिसंबर मंथ का है, 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर। कहता है एक बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस चालू हुआ कैश से। अब ये तो या कैश आएगा, डेबिट करेंगे, हमारा असेट्स है, आया कहाँ से? ओनर के पास से, तो ये ओनर के नाम के बदले हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल। कैपिटल लाइबिलिटी होता है कितना? 75,000। हिमांशु 75,000 से बिजनेस चालू किया, नरेशन हो जाएगा बीइंग बिजनेस
स्टार्टेड विथ कैश क्वेश्चन नंबर तीसरा चल रहा है और 7 दिसंबर को, 7 दिसंबर को क्या हुआ आ जाओ, 7 दिसंबर को कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स खरीदे तो परचेज एंट्री पढ़ेगा तो परचेज अकाउंट डेबिट और कैश हमारा घट जाएगा तो टू कैश अकाउंट, ये था एंट्री कितने का 10,000 का, यहां 10,000 लिखेंगे, यहां भी 10,000 लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज के बाद है 7 दिसंबर के बाद है हमारा 9 को है, 9 दिसंबर को क्या हुआ, 9 दिसंबर को कहता है सोल्ड गुड्स टू स्वाति, मतलब स्वाति को ना हम सामान बेच रहे तो बेचेंगे तो सेल्स होगा, सेल्स हमारा घटेगा तो स्वाति अकाउंट डेबिट टू क्या चीज सेल्स अकाउंट, कितना जितना बेचे होंगे, कितना बेचे 5,000 का। अब देखो ये ना क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्या हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार लेन देन है, तो सामान तो जा रहा है, सेल तो हुआ और स्वाति तो पैसा दी नहीं, दी नहीं तो ये हमारा एसेट्स हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग डेबिट किए हैं स्वाति को, बीइंग गुड सोल्ड। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो पार्टी का नाम आपको लिखना पड़ेगा, बीइंग गुड सोल्ड टू स्वाति। अमाउंट ठीक है 5,000, 5,000 उसका कहता है फर्नीचर खरीदे कब 12 दिसंबर को, तो 12 दिसंबर को फर्नीचर खरीदेंगे, फर्नीचर हमारे लिए क्या है सेट से बिजनेस में यूज होगा तो यहाँ क्या लिखना होगा हमको, परचेज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर हमारा असेट्स है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश में खरीदे तो टू कैश अकाउंट, कितना में खरीदे बीइंग परचेज्ड नरेशन लिख देते हैं फर्नीचर, कितना में खरीदे हैं वो अमाउंट लिख देंगे और क्या है 4,000 में, 4,000 एक 3,000 एक मिनट देख ले 3,000 तो फर्नीचर हो जाएगा हमारा 3,000। हो गया 12 दिसंबर तक का ट्रांजेक्शन हो चुका है, आगे क्या कहते हैं आज 18 दिसंबर का है हम लोग करते हैं, और 18 दिसंबर को क्या करता है दिसंबर 2022 का ट्रांजेक्शन है, कहते हैं कैश रिसीव्ड हुआ फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। अच्छा तो एक काम करते हैं इसका हम लोग पहले देखते हैं स्वाति को कितने में बेचे हैं 4,000 का ठीक है, और 18 दिसंबर को कह रहा है कैश रिसीव्ड हुआ है स्वाति से इन फुल सेटलमेंट, मतलब जितना भी बाकी है इसके बदले में कितना आया हमारे पास में 4,000, कितना आया 4,000। तो आइए इसका हम लोग देखते हैं, स्वाति को बेचे हैं सोल्ड हुआ था कब 12 दिसंबर को नहीं 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर को कितने में 5,000 में हम सामान बेचे थे, लेकिन पेमेंट जब हुआ ना 18 दिसंबर को तो 4,000 ही मिला और ये कह दिया गया फुल सेटलमेंट है, फुल पेमेंट है, इससे आगे नहीं मिलेगा, तो ये जो डिफरेंस आया इसका 1,000 रुपया ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस आया ना भाई 5,000 में बेचे थे 4,000 ही उनसे फुल सेटलमेंट में मिला है, तो 1,000 जो कमी आ रही है क्या हो जाएगा, ये डिस्काउंट है बैड डेट्स नहीं है, ये क्या हमारा डिस्काउंट छूट कैश डिस्काउंट हो गया, ये क्या हमारा कैश डिस्काउंट छूट
अब डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, ट्रेड और कैश। ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट आपको कैश ट्रांजेक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो दोनों टाइम में मिलेगा या दिया जाता है, और कैश ट्रांजेक्शन वाली कैश ट्रांजेक्शन जब होगा तब उस टाइम पे कैश डिस्काउंट मिलता है या फिर रिसीव होता है। कैश डिस्काउंट देने या लेने का ये होता है जो तुरंत में कैश प्राप्त हो जाए, इसीलिए हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं। तो देखो 5,000 का था, 5,000 में 4,000 दे दी फुल सेटलमेंट, तो 1,000 कहाँ जाएगा, 1,000 डिस्काउंट हो जाएगा, बैड डेब्ट्स नहीं है। आइए तो इसका एंट्री कैसे मारोगे, देखो कैश आ रहा है ठीक, तो कैश अकाउंट डेबिट। देखो स्वाति तो पैसा दे दी, तो स्वाति को क्या करना होगा, क्रेडिट करेंगे। अब स्वाति का खाता खत्म करना है, तो 5,000 से डेबिट था थी तो 5,000 से ही क्रेडिट हो जाएगा। कैश हमारे पास कितना आ गया, 4,000, डिफरेंस कितना है 1,000, तो हमने छूट दिया तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट 1,000। अब देखिए 5,000 यहां, 5,000 भी यहां, तो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति फॉर फुल सेटलमेंट, मतलब जितना बाकी था उसके यहां कितना बाकी था, 5,000, 5,000 के बदले में कितना कैश दिए, 4,000, जो डिफरेंस गया वो डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट हमने दिया तो हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए इसको हम डेबिट किए। ठीक है आगे आ जी, आय कहते कहता है 25 दिसंबर को रेंट चुकाए कितना, तो रेंट खर्चा है हमारा 25 दिसंबर, तो रेंट पेड एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अब कितना दिए हैं, रेंट, रेंट है हमारा 1,000, लिखिए 1,000, एंट्री क्या हो जाएगा, बीइंग रेंट पेड इसके बाद है 25 दिसंबर के बाद है ट्रांजेक्शन है हमारा 30 दिसंबर को सैलरी पेड, पेड सैलरी, सैलरी एक्सपेंस है तो हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 1,500। Being LED print. ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 3। तो इस वीडियो में आपको दो क्वेश्चन नंबर, दो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अच्छी चीजें, नई चीज थी एक हमारे लिए डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट, जिसपे मतलब डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। आइए यहां करिए देते हैं, ये डिस्काउंट रहा छूट, है ना, छूट होता क्या है, जो भी प्राइस है उसमें जो कमी दिया था रिबेट, उसी को हम क्या बोलते हैं, छूट। ठीक है, अब ये ना दो तरह से होता है, दो प्रकार के होते हैं, या तो ट्रेड डिस्काउंट होगा या तो कैश डिस्काउंट। अब देखिए ये डिस्काउंट जो होता है ना दोनों ट्रांजेक्शन में मिलता है, कैश ट्रांजेक्शन हो तब भी और क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो तब भी, दोनों पे। ठीक है, तो नगद लेन देन होगा तब भी मिलेगा और कैश, सॉरी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तब भी, लेकिन कैश डिस्काउंट हम वाली हमको कैश ट्रांजेक्शन या तो कैश का लेन देन जब होता है तभी मिलता है कैश डिस्काउंट, कैश ट्रांजेक्शन। इस ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग नहीं होता है, ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग नहीं होता बुक्स में,
मतलब इसका लेखांकन नहीं करते, अकाउंटिंग नहीं होता है कैश डिस्काउंट का। तो क्या होता है, तो जो भी प्राइस होता है ना उसमें से जितना भी ट्रेड डिस्काउंट है उसको हम माइनस कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, जो बच जाए वैल्यू, इस वैल्यू का अकाउंटिंग होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग नहीं होगा, ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग नहीं होता है, ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग नहीं होता है, नो। ये था इसका। अब कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग होता है ये, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है ना, लेखांकन होता है। अगर मान लो दोनों है हमारे पास में, ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है, तो कैसे एडजस्ट करेंगे, इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? तो सबसे पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे, जो भी आएगा जितना भी परसेंटेज है, उसके बाद जो वैल्यू बचेगा उसमें से कैश डिस्काउंट घटाएंगे। ये कैश ट्रांजेक्शन पे होता है। अगर हम किसी को देंगे तो हमारे लिए एक्सपेंस है, अगर हमको मिलेगा तो हमारे लिए इनकम है। तो नॉर्मल सी बात है, इसका एंट्री क्या हो जाएगा, देखो आ रहा है तो डेबिट करोगे, एक्सपेंस है हमारे लिए, और हम सॉरी हम किसी को दे रहे हैं तो डेबिट है हमारे लिए, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है डेबिट करेंगे डिस्काउंट को, अगर कोई हमको देगा तो हमारे लिए इनकम है तो डिस्काउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो ये था हमारा डिस्काउंट का, डिस्काउंट छूट, ठीक है।